नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अटा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो सेट नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट देखा था हमने, सबसे लास्ट में साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर 7, जिसके अंतर्गत पार्ट नंबर 1 देखेंगे। स्टार्टिंग के हम 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो स्टार्टिंग के आपके प्रश्न इतिहास पर बेस्ड होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे। जयसिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां। अच्छा प्रश्न है, पुरंदर की संधि पूछी भी जाती है, सन भी यहाँ पर लिखा है 1665 ईस्वी, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बताइए इनमें से सही जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जयसिंह जो है वो सही हो जाएगा। पुरंदर की जो संधि है 1665 ईस्वी में शिवाजी और साथ ही साथ जो जयसिंह है, मुगल सेनापति जयसिंह है, इनके बीच जो है वो हुई थी। इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए थे। शिवाजी जो थे इन्होंने अपने 23 किले और करीब 4 लाख जो हूड़ थे उनकी वार्षिक आय की जो भूमि थी वो मुगलों को दे दी थी। ये पहली शर्त के तौर पर आप कह सकते हैं। दूसरी की अगर बात करें तो जो रायगढ़ है उसको सम्मिलित करके, रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल 12 किले और 1 लाख हूड़ की वार्षिक आय की जो भूमि है वह जो है केवल बची थी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो शिवाजी थे उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, परंतु अपने स्थान पर अपने जो पुत्र संभाजी थे उनको 5000 घुड़सवार, टोटल 5000 घुड़सवार के साथ मुगलों की सेवा में भेजना जो है वो स्वीकार किया था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं शिवाजी का लॉस थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और चौथा अगर पॉइंट की बात करें तो शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध जो मुगल थे उनको सैनिक सहायता देने का वादा भी जो है वो किया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप याद रख सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में जो है वो हुई थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, यानी कि गलत आपको यहाँ पर छांटना है। जैसे कि एक तरफ स्थान दिए हुए हैं जैसे कि अजमेर, जौनपुर, मालवा, गुलबर्गा, और एक तरफ स्थापत्य जो है उनसे संबंधित नाम दे रखे हैं जैसे कि जामा मस्जिद, जहाज महल, आपको गलत इसमें से जो है वो छांटना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप क्या कहेंगे? पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। जो लिखा है अजमेर कुवल अल इस्लाम, कुवल उल इस्लाम जो है ये आपका दिल्ली में है, तो आपका यही जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि यहाँ पर गलत जो है वो दे रखा था। बाकी भी एक बार देख लीजिए, जो जौनपुर है उसमें अटाला मस्जिद, मालवा जो है जहाज महल, और गुलबर्गा जो है जामा मस्जिद, तो ये सभी आपके बाकी सही हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सूची एक तरफ दे रखी है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वार्तिक, और दूसरी तरफ अगर सूची की बात करें तो नाम दे रखे हैं यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे जो कूट दे रखे हैं उसमें सही उत्तर कौन सा होगा, सही मिलान आपको जो है वो बताना है। तो चलिए आप देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं अष्टाध्यायी, जो कि बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है? तो पाणिनि जी की है। आपका ये चौथे वाले से मैच हो जाएगा। अब ए का 4 देखिए यहां पर, तो केवल ए वाले ऑप्शन में ही, यानी कि अन्य ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ए वाला ही आपका आंसर होगा। मैंने काफी बार बताया कि कैसे आप ऑप्शन से आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। महाभाष्य की बात करें तो ये आपका पतंजलि जो है इससे मैच हो जाएगा 3 वाले से। निरुक्त की बात करें तो यास्क जो है इससे मैच हो जाएगा पहले वाले से। और जो वार्तिक है वो कात्यायन इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पर वार्तिक, महाभाष्य और अष्टाध्यायी अधिकतर आपको बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हुए देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। 4 नाम दे रखे हैं, आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के जो है वो अनुयायी थे। पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा चौथा, या फिर आपका दूसरा और चौथा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि दूसरा और चौथा आपका यहाँ पर सही होगा, यानी जो अशोक है ये और दशरथ जो है ये दोनों आपको याद रखने हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो थे। अशोक के बारे में बात करें तो अशोक और इनके पौत्र दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और दशरथ जो है ये मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक थे जिनका जो काल था 224 से 216 जो है ईस्वी तक हमें ज्ञात होता है।
साथ ही साथ जो दशरथ है उनको एक देव नाम प्रिय नाम से उपाधि भी जो है वो मिली थी, वो भी आप याद रख सकते हैं। अन्य ऑप्शन में थोड़ा सा अगर नजर डालें तो एक जो पहला वाला लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है वो जैन समर्थक थे, ये बौद्ध समर्थक नहीं थे। तो जैन समर्थक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय के जो है वो समर्थक थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के जो है वो समर्थक थे। अशोक की अगर बात करें, जो कि यहां पर मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इनके बारे में आप ये एक चीज याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार था वो अपनी धर्म यात्राओं से जो है वो स्टार्ट किया था, और जो अशोक थे उन्होंने जो अभिषेक था उसके 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो पदाधिकारी थे उनका एक नवीन वर्ग भी बनाया था जिसे धम्म महामात्र के नाम से जो है वो जानते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्वेद से, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका यजुर्वेद यहाँ पर जो है वो सही होगा। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके अगर प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो पवित्र ग्रंथ, धर्मानुष्ठान, इनकी व्याख्या आपको देखने को उसमें मिलती है। यहां पर अगर बात करें तो शतपथ जो ब्राह्मण है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद जो है उससे संबंधित है, संबंधित वेद अगर पूछा जाए तो आपका यजुर्वेद, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है वो सही है। गोपथ ब्राह्मण यदि आपसे पूछा जाए तो वो अथर्ववेद से संबंधित है, कौन सा, गोपथ ब्राह्मण। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ऐत्रेय एवं कौशिक की जो ब्राह्मण है वो देखने को मिलता है, और अगर बात करें सामवेद की तो इसमें जो है पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय, ये सभी नाम देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से किस वर्ष में जो है वो स्वीकार की गई थी, 1833, 1853, 1858 या फिर 1882, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की जो व्यवस्था है वो सिद्धांत रूप से किस वर्ष में स्वीकार की गई थी। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन 1853 जो है यहाँ पर सही होगा। 1853 के जो चार्टर एक्ट था इसके पूर्व नागरिक सेवा में समस्त जो नियुक्ति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशक करते थे, और 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने ये कानूनी व्यवस्था लागू कर दी थी कि नागरिक सेवा में जो सारे प्रवेश हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो है वो किए जाएंगे। तो आपका 1853 यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली, ये जो है वो एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी, तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर सही हो जाएगा। समय जरूर ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का, वो है 1942, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर जो है वो किया था, तो चार ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो, कलकत्ता, रंगून, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर आपका सही होगा। तारीख आप चाहे तो याद रख सकते हैं 21 अक्टूबर 1943 की थी। सिंगापुर में जो है जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने या इनके नेतृत्व में स्वाधीन भारत की सरकार जो है वो गठित की गई थी, और जो रास बिहारी बोस थे उनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग ने उसका समर्थन भी जो है वो किया था, और जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको आजाद हिंद जो सेना थी उसका मुख्य सेनापति बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, आजाद हिंद फौज जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया था। नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दे रखा है, राम प्रसाद बिस्मिल, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा है सूर्यसेन चटगांव केस, बस यही आपका बी वाला जो है, पहला वाला मतलब कहने का गलत है, दूसरा वाला आपका सही है। प्रश्न में कौन सा जोड़ा जो है वो सही है ये पूछा गया था, तो जो सूर्यसेन थे इन्हीं के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के जो सदस्य थे उन्होंने चटगांव शस्त्रागार जो है वो लूटा था, तो सूर्यसेन इसीलिए चटगांव केस से संबंधित हैं, याद रख सकते हैं, और इन्हीं के आरोप में जो सूर्यसेन थे इनको गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में आरोप सिद्ध होने पर 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी जो है वो दी गई थी, 12 जनवरी 1934 को।
तो सूर्य सेन किससे संबंधित है? चटगांव केस या चटगांव शस्त्रागार लूट केस आप कह सकते हैं। बी वाला आपका सही है, बाकी यहाँ पर जो है वो गलत दे रखे हैं। अगला देखते हैं आपका, और साथ ही साथ यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र केस लिखा है, इसकी तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 9 अगस्त 1925। ये काकोरी षड्यंत्र जो मामला था उसकी तेरी तारीख आप याद रख सकते हैं। इस दिन क्या हुआ था, क्रांतिकारियों के एक दल ने लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर काकोरी में ट्रेन लूट कांड जो है उसको अंजाम दिया था। तो आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बाकी अन्य तारीख भी आप याद रख सकते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अगस्तस हिक्की, चार्ल्स मेटकाफ, मैकग्रेथ या फिर डिजारेली। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर चार्ल्स मेटकाफ जो है वो सही होगा। कार्यवाहक गवर्नर थे जनरल जिनका नाम था चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था और 1823 का एक अधिनियम था उसको इन्होंने रद्द कर दिया था, और इसी के कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा भी दी गई है और साथ ही साथ प्रणेता के रूप में तो जाने जाते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न आपका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो मृत घाटी है वो किसका उदाहरण है, अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका रिफ्ट घाटी यहाँ पर जो है वो सही होगा। जो मृत घाटी प्रश्न में पूछा गया है ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है जो कि भूभ्रंश घाटी का जो है वो उदाहरण है। 10 तक हमारे प्रश्न हिस्ट्री के थे, यहां से अब भूगोल के जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। 11 नंबर से स्थिति की बात करें तो ये जो है आपका मोहाबे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका का सबसे जो निचला शुष्क और गर्म स्थान है उनमें से एक गिना जाता है। तो एग्जाम्पल ये किसका है, रिफ्ट घाटी का है, ये आपका सही हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, अपेनाइंस, आल्पस पर्वत, जुरा या फिर पेरनीज। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत जो है या सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो पेरनीज डी वाला जो देख रखा है ऑप्शन ये सही होगा। पेरनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके पास विश्व का सबसे ज्यादा बॉक्साइट का संचित भंडार है, भारत, रूस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर देखने को मिलता है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आपको गिनी जो है वहां पर बॉक्साइट देखने को मिलता है। ऑप्शन में अगर गिनी दिखे तो आप गिनी को टिक करिएगा, गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, उसके बाद आपका वियतनाम का नंबर आता है, फिर ब्राजील का नंबर आता है, इस टाइप से आपका सीरियल चलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत से लोग गए भी होंगे बद्रीनाथ, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर अलकनंदा सही होगा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और साथ ही साथ आपका मंदाकिनी जो है वो, जो ये सी वाला ऑप्शन दे रखा है मंदाकिनी, ये तो जो सी वाला ऑप्शन है मंदाकिनी ये आपको याद रखना है, केदारनाथ धाम जो है वो स्थित है, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। अलकनंदा जो है वो आपका बद्रीनाथ और जो मंदाकिनी है वो आपका केदारनाथ धाम। और प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि अलकनंदा और जो मंदाकिनी है इसका जो संगम है वो कहाँ पर होता है, तो वो आपका रुद्रप्रयाग में होता है। इस चीज को भी याद रख सकते हैं आप, रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी जो है इन दोनों का संगम होता है, मिलन होता है। 15 नंबर प्रश्न है, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, WTO से, IMF से, GATT से या विश्व बैंक से। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और आपके टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस जो है आपके बन सकते हैं।
आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यानी कि WTO जो है वो सही हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। साथ ही मुख्यालय भी याद रख सकते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में जो है वो कमी आपको देखने को मिली है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर आपको कमी देखने को मिली है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, सबसे कमी आपको नागालैंड में देखने को मिली है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.6% आपका सही होगा। अगर बात करें यहाँ पर मणिपुर के परसेंट की तो 24.5 आपका परसेंटेज इसका हो जाएगा। अगर बात करें त्रिपुरा की तो इसका परसेंटेज 14.8 हो जाएगा और सिक्किम की बात करें तो 12.9 हो जाएगा। तो सबसे कम परसेंटेज नागालैंड में आपको जनसंख्या में वृद्धि या कमी के तौर पर आप कह सकते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा नागालैंड। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट यानी कि व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या फिर ठेकेदार, तो बताइए इनमें से कौन जो है तो मिड डे मील योजना इसको प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है। आंसर की बात करते हैं तो ठेकेदार आपका इसमें नहीं आता है, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। मध्याह्न भोजन योजना का आपको समय जरूर पता होना चाहिए, तो मिड डे मील आपका 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना है इसको प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य क्या था कि और ज्यादा जो छात्र हैं वो उनका जो नामांकन है उसमें वृद्धि हो और जो छात्रों में ठहराव है वो देखने को मिले, यही सारी चीजें। 18 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? ये तो एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है, तो कपास, मक्का, अरहर, सरसों, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने पहले ही बताया कि हम ट्रिक से खरीफ की फसल, रबी की फसल वो देख चुके हैं, जीके वाली प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। मुख्य रूप से कितने टाइप की फसलें होती हैं? तो 3 टाइप की फसलें होती हैं, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है आपकी जायद की फसल। ये 3 टाइप की फसल आपको देखने को मिलती है। रबी की फसल यहाँ पर पूछा गया है इनमें से, तो सरसों आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रबी की फसल में आपका गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है। 5 नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये आपके रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसलों में आपके अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास, ये सभी आपको खरीफ की फसल में देखने को मिलता है। और जायद में वो सभी फल देखने को मिलते हैं, फ्रूट देखने को मिलते हैं जिसमें पानी होता है अधिकतर, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, इस टाइप की चीजें आपको देखने को जायद फसलों में मिलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य हाल ही में अवमूल्यन जो है वो किया गया, तो जुलाई 1991 में, 1991 जनवरी में, जुलाई 1990, जनवरी 1990, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहां पर जुलाई 1991 जो है वो सही होगा। भारत में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया था, 2 चरणों में यह अवमूल्यन हुआ था। जो पहला चरण था वो 1 जुलाई 1991 को किया गया था, जिसमें रुपए का जो मूल्य था उसमें 9% की कमी आपको देखने को जो है वो मिली थी। उसके बाद दूसरा चरण हुआ जो कि 3 जुलाई को हुआ था 1991 में, इसमें मूल्य में 11% की कमी आपको देखने को मिली थी, तो ये काफी यहाँ पर लॉस हुआ था, ए वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं हम? आय कर के नाम से, व्यापार कर के नाम से, सीमा कर के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर, आंसर की बात करते हैं तो इसे हम सीमा कर कहते हैं, बाउंड्री कर कह सकते हैं। तो सीमा जो शुल्क है उससे 2019-20 में केंद्र सरकार को कुल जो आयात था या आगम था, आयात निर्यात मिलाकर उसका 4% प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर की संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार जो पंचायत है उसके क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को जो है वो रखा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, इतने अच्छे से प्रश्न प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो बताइए कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय जो है उनको रखा गया है, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि 29 विषय जो है वो सही हो जाएंगे।
पंचायत जो है उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, वे किन उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, इसकी जो सूची है वो संविधान के 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसके अंतर्गत टोटल जो है वो 29 विषय जो है वो है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 22 की भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसकी व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला और सत्र न्यायालय में या फिर सभी में, बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सही हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय है इसकी बात करें तो इससे संबंधित जो यहाँ लाइन लिखी है उसका आर्टिकल भी आप याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 127 से जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न 23 है केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ध्यान होगा आपको पीवी राजमन्नार समिति तमिलनाडु जो है इससे संबंधित था, केंद्र राज्य जो है उसमें क्या कुछ विवाद थे उनको सुलझाने के लिए इस टाइप से बताया था, तो यही आप सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। और ये जो सभापति है इसकी समिति के वो थे पीवी राजमन्नार, जो कि प्रश्न ही है नाम से समझ में आ रहा है, और जो सदस्य थे उनमें डॉक्टर लक्ष्मण एस मुदालियर तथा पीसी चंद्रा रेड्डी जो है उनका नाम देखने को मिलता है। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है 24, स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका जो है ये एक अंग है, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी एटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 380, 312, 60 या फिर 51, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 आपका सही होगा, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके अनुच्छेद 51 के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि आप देखते हैं आता है। तो आपका इसके अलावा भी पॉइंट देखेंगे तो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो संबंध है उनको बनाए रखना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो डी वाला ही आपका यहाँ पर अनुच्छेद 51 जो है वो सही होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो ये जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैथ सेक्शन का पूछ रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको बतानी है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 16। तो सभी लोग मैथ अवश्य लगाइए, पढ़ाई और रटने वाली तो आप साथ में करते रहते हैं पर जरूरी है मैथ की डेली प्रैक्टिस करना, इसीलिए मैंने प्रश्न दिया है, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग की बात करें तो दोपहर के 3 बजे और जो पेट का आप वीडियो देख रहे हैं ये है शाम के 8 बजे की, इसमें लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।